मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। इस बार अरुण जेटली चूंकि बीमार हैं, इसलिए वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे। इस साल लोकसभा चुनाव है। अमूमन चुनावी साल में सरकार केवल अपना खर्च चलाने के लिए लेखा अनुदान पेश करती है, लेकिन अरुण जेटली ने साफ किया था कि वो लेखा अनुदान नहीं अंतरिम बजट पेश करेंगे। चुनाव को देखते हुए कह सकते हैं कि बजट लोक लुभावन होगा। बजट में आम लोगों की नजरें खास तौर पर टिकी होती हैं इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणा पर। क्या वित्त मंत्री इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाएंगे, इसमें दिलचस्पी सबसे ज्यादा होती है। चुनावी साल में वोटरों को खुश करने और CII और फिक्की जैसी औद्योगिक संस्थाओं की छूट का दायरा बढ़ाने की मांग रखने के बाद माना जा रहा है कि पीयूष गोयल इनकम टैक्स में छूट को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार इनकम टैक्स की मिनिमम छूट लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसे आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है, उसके बढ़ के 5 लाख तक होने की संभावना मुझे लगती है। अगर ये 5 लाख तक हो जाती है तो सैलरी क्लास और मिडिल क्लास को काफी रिलीफ मिलने की संभावना हमें लगती है। इनकम टैक्स में छूट दिए जाने के पीछे एक तर्क है, आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़ी जातियों के लोगों को सरकार की ओर से 10% आरक्षण देने के साथ ही इनकम टैक्स में छूट की संभावना बढ़ गई है। दरअसल 10% आरक्षण वाले कानून में प्रावधान किया गया है कि जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम है उसे आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मौजूदा स्लैब के मुताबिक 8 से 10 लाख तक की आय वाले लोगों को 20% टैक्स देना होता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 8 लाख से कम आय होने पर आरक्षण है तो फिर 20% का टैक्स क्यों है? अभी गवर्नमेंट ने 8 लाख तक वैसे भी सवर्णों को बेनिफिट दिया है, तो लिमिट कम से कम 5 लाख की जाए ताकि लोगों को बेनिफिट अच्छा मिल जाए। आरक्षण के तर्क को देखते हुए ही जानकार मानते हैं कि 80C के तहत भी सरकार की ओर से छूट दी जा सकती है। 80C वो सेक्शन है जिसमें आपको PPF, NSS, फिक्स डिपॉजिट और होम लोन जैसे निवेश पर छूट मिलती है। 80C के तहत अभी 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। सेक्शन 80C के अंदर कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स, NSC, PPF, कुछ और चीजें होती हैं। उसमें उम्मीद ये है कि 50,000 तक उसकी एग्जम्पशन लिमिट शायद बढ़ जाए, ऐसी संभावना लगती है। उद्योग संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII ने मोदी सरकार से कहा है कि बजट में इनकम टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए और साथ ही सेक्शन 80C के तहत बचत पर मिलने वाली छूट की सीमा को भी 2.5 लाख रुपए किया जाए ताकि देश में बचत को बढ़ावा मिले। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है सैलरीड क्लास है, वो काफी समय से कह रहा है, मांग कर रहा है कि सैलरी में जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए। एक तो जो 2.5 लाख की सीमा है उसे बढ़ाकर कम से कम 5 लाख तक की आय को छूट दी जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हाउसिंग लोन एक आम आदमी का सपना है कि घर के लोन में रियायत ज्यादा दी जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण जो 1.5 लाख की लिमिट है, काफी समय से वो लिमिट चली जा रही है, तो ये तो महत्वपूर्ण है कि जो देने चाहिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने व्यक्तिगत इनकम टैक्स पेयर्स को कुछ खास निवेश योजनाओं में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। फिक्की का कहना है कि इससे व्यक्तिगत बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर सरकार फिक्की की सिफारिश को मानती है तो छूट का दायरा बढ़ सकता है। उद्योग संस्था ने सुझाव दिया है कि 5 लाख से कम आय वालों को पूरी तरह इनकम टैक्स से मुक्त कर देना चाहिए, जबकि 5 से 10 लाख आय पर 10% की दर से टैक्स लेना चाहिए। जिन लोगों की आमदनी 10 से 20 लाख रुपए के बीच है उनसे 20% की दर से टैक्स लिया जाए और 20 लाख रुपए से अधिक की आमदनी पर 25% टैक्स लिया जाना चाहिए। मोदी सरकार के लगातार बीते 5 सालों के प्रयासों की वजह से देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 सालों में टैक्स देने वाले लोगों की संख्या करीब 80% बढ़ी है। अभी देश में करीब 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, पहले ये संख्या करीब 5 करोड़ के आसपास थी। ऐसे में अगर सरकार की ओर से इनकम टैक्स की छूट बढ़ाई जाती है तो 2019 के चुनाव में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक फरवरी को आने वाले बजट में सबकी निगाहें इनकम टैक्स में छूट से जुड़े ऐलान पर होगी। फिलहाल सामान्य लोगों की कमाई 2.5 लाख तक है तो आपको कुछ टैक्स नहीं देना होता है, जबकि 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच की सालाना आय पर 5% टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 20% और 10 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30% टैक्स का भुगतान करना होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर में मिलने वाली छूट के लिए अलग अलग शर्तें हैं। सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उनके लिए 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। अगर कर योग्य आय 3 से 5 लाख रुपए के बीच है तो उस पर 5% टैक्स चुकाना पड़ेगा। 5 से 10 लाख की आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा आय पर 30% की दर से टैक्स लगता है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से अधिक की उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। 5 से 10 लाख रुपए आय होने पर 20% और 10 लाख से ज्यादा आय पर 30% का टैक्स है। 2018 के बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया, न ही सेक्शन 80C के तहत छूट को बढ़ाया, लेकिन वेतन भोगियों को एक मुश्त 40,000 की फिक्स्ड छूट देकर खुश करने की कोशिश की। इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है, जिसे 2005 में बंद कर दिया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर महीने 1600 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए सालाना मेडिकल अलाउंस को हटाने के एवज में दिया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुल वेतन में से 40,000 रुपए घटा दिए जाते हैं, उसके बाद जिस ब्रैकेट में कमाई आती है उस दर से टैक्स लिया जाता है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव की संभावना नहीं है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को अच्छे बजट की उम्मीद है। उनका मानना है कि अगर आयकर छूट 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाती है तो उन्हें काफी मदद मिलेगी। तरह से महंगाई वगैरह कंट्रोल में रहे और बजट में कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए कुछ प्राविधान, जैसे अभी आपका ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह के लिए भी कुछ गवर्नमेंट इस बारे में सोचे, जन सामान्य और कर्मचारियों को सभी को राहत। बजट जो है, जो इस समय महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सरकार को ऐसा बजट लाए जो मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी के लिए लाभकारी हो। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए और किसानों को देखा जाए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसे सोचते हुए बजट पेश किया जाए। 2018 में सरकार ने वेल्थ टैक्स खत्म करने के अलावा जिन वेतन भोगियों को हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA नहीं मिलता है उनके लिए 80GG के तहत टैक्स छूट की सीमा हर महीने 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी थी। उम्मीद की जा रही है कि चुनावी साल में सरकार का बजट राहत देने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।